स्कूल समय में बंद मिला, वहां गुर्जर रहे किसी व्यक्ति ने उसका फोटो खींचा था, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। साथ ही संबंधित बीईओ को भी व्हाट्सएप पर फोटो भेज दिया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं बीईओ तहसील समाधान दिवस में थे, उन्होंने प्रधानाध्यापक विजयपाल सिंह से फोन पर स्कूल बंद होने का कारण जानने की कोशिश की, तो स्टाफ के 4 लोगों के अवकाश पर होने की जानकारी बीईओ को मिली। अगली खबर का नौ से है, जहां एक के बाद एक नई मुसीबत किसानों पर पहाड़ बनकर टूट रही है। वहीं अतिवृष्टि की बर्बादी से किसान उबर नहीं पाया कि फिर से मौसम की खराबी ने परेशानी के साथ ही साथ चिंता की लकीरें भी खींच दी हैं। आलू बेल्ट के जिले में अन्नदाता संभल नहीं पा रहे हैं, इस बार उनकी इस फसल का क्या हाल होगा। जिले के करीब 5 लाख किसानों की कमाई का मुख्य स्रोत आलू है, अगर आलू का भाव सही नहीं मिलता तो यहाँ किसान पनप नहीं पाएगा। अगर भाव कम हुए तो किसान की बर्बादी तय है। पिछले 2 साल से महामारी के चलते आलू किसान खून के आंसू रो रहा है, किसान का रोम रोम कर्ज में डूब गया है। फसल लेट कैसे हो गई? पहले हमने फसल अपनी बोई की, अब वो मौसम बेमौसम बरसात होने से वो बर्बाद हो गई। दोबारा हमने व्यवस्था करके तो खाद भी नहीं मिल पाई, फिर लगाई। अब राम भरोसे फसल होती है कि नहीं होती, कैसे कर्जा भरें।